आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप 6 कली का पेटीकोट बनाना और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि वीडियो को देखकर कोई भी बना सकता है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। पेटीकोट के कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर और अर्ज इसका 35 का। अब इस कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड करके रखना है। कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड कर दिया है इस तरह। अब इसके दूसरे कॉर्नर को इस तरह आपको बराबर से मिलाकर इसी के ऊपर सेट कर लेना है, तो ये कपड़ा हो जाएगा आपका 4 लेयर में। अपनी साइड से पूरी तरह से बंद है, ठीक है, इस तरह आपको चेक करना है और बाहर की साइड रहेगा ये है इसके 4 लेयर खुले हुए। अब मैं आपको पेटीकोट बनाने का एकदम सरल तरीका बताती हूँ। आपको एक अपना पुराना पेटीकोट ले लेना है। ये ले लिया हमने एक पुराना पेटीकोट, तो इस पे हमने प्रेस लगा दी है जिससे मुड़ा नहीं रहेगा। इस तरह आपको एक पेटीकोट लेना है और उसके नारा को निकाल देना है जिससे ऊपर की साइड से एकदम फिनिशिंग से प्रेस हो जाएगी और ये ऊपर का नेफा जो होता है वो मुड़ा नहीं रहेगा। तो एक बार हमने इसको फोल्ड कर दिया है तो ये डबल में फोल्ड हो गया है। आप कोई सा भी अपना पुराना पेटीकोट ले सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका पेटीकोट 4 कली का है या 8 कली का है। बस पेटीकोट को उठाइए और उसको 4 लेयर में रखिए, इस तरह फोल्ड करके रखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरह मिलाकर इसको रख लेना है। इसका जो खुला वाला साइड है वो बाहर की साइड है और इस तरफ से पूरी तरह से बंद है, तो इसको हमने 4 लेयर में फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो जॉइंट वाली साइड है इसमें यहाँ पर जॉइंट रहेगा, उधर आपको बराबर से इस तरह मिलाकर रखना है और जो भी बेल्ट की साइज है उसके बराबर से एक निशान लगा लीजिए और फिर 1/2 इंच इसको बढ़ाकर ले लीजिए इस तरह। इस निशान को सीधा करिए और मार्जिन के निशान से इसको काट लीजिए जिससे आपको बेल्ट के लिए बहुत आसानी से कपड़ा मिल जाएगा। तो एक पट्टी हमने काट के निकाल ली है। अब इसको खोल कर रखेंगे और एक पट्टी और निकाल लेंगे जिससे बेल्ट के लिए कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। इस तरह आपको आसानी से बेल्ट के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह आपको 3 पट्टियां मिल जाएंगी जिससे 2 से अच्छे से बेल्ट बन जाएगा और 3री पट्टी से अच्छे से नारा बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड करके रखना है इस तरह और ऊपर की साइड 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है और यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए और इस साइड ध्यान दीजिए कि 1/2 इंच कपड़ा इस साइड निकला होना चाहिए और 1/2 इंच का मार्जिन इस साइड होना चाहिए। पहले हमने इसको बराबर से मिला दिया और फिर यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा दिया। अब इसको आपको नीचे तक ले जाना है इस तरह, अच्छे से मिलाकर पकड़िए और निशान बनाते जाइए। अब इस निशान को हम नीचे तक ले लेंगे। अब यहाँ पर आपका ये बराबर से हो जाएगा और ये इतना भी बड़ा है तो इसको हम छोड़ देंगे, बाद में इसकी सेटिंग करेंगे। इस तरह पहले हमें कलियाँ निकाल लेना है, तो यहाँ से हमारी कली निकलेंगी और फिर हम इसको पकड़ेंगे और इस साइड रखेंगे। बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड किया जैसे हमने उस साइड किया था वैसा ही इस साइड करना है और यहाँ पर बढ़ाकर ले लीजिए इस तरह। और अगर आपके पेटीकोट का अर्ज ज्यादा है तो इसे आप तिरछा भी ले सकते हैं जिससे कलियों की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। इस तरह आप बढ़ा सकते हैं। नीचे से बराबर लिया और ऊपर की साइड जाते हुए इस तरह निशान को मिला देंगे, नीचे से हमें घेरा मिल जाएगा। अब इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे जिससे 6 कलियाँ अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप मुझसे कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरा लेडीज टेलरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब इस पुराने पेटीकोट को हम साइड से रख देंगे। यहाँ पर आपको 6 कलियाँ मिल जाएंगी, तो 2 कलियाँ मिलेंगी आपको इस साइड से जो रहेंगी बड़ी वाली कली और 4 कली मिलती हैं आपको इस साइड से, 1, 2, 3 और ये 4। 4 कलियाँ आपको इस साइड से मिलेंगी और 2 कलियाँ आपको इस साइड से मिलेंगी। इस तरह आपको 6 कलियाँ मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि इन कलियों को पकड़ना है और इस तरह फोल्ड करना है। अब इसको बराबर से मिलाकर सेट करना है। जितनी भी ऊपर नीचे होती हैं उसको बराबर से मिलाकर आपको इस तरह रखना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ेगा उसकी सेटिंग करना है।
इस तरह नीचे से सेट किया और फिर इसको एक बार आपको इस तरह पलटना है। अब यहाँ पर भी जितना कपड़ा बढ़ेगा उसको सेट कर दीजिए इस तरह। अब इसी तरह सेटिंग हमें इन कलियों की करना है। इस तरह मिलाइए और फिर इसको पलट लिया। यहाँ पर जितना भी ऊपर नीचे कपड़ा होगा उसकी सेटिंग कर दीजिए बस, जिससे कलियां हैं बराबर से आ जाएंगी। इस तरह आपको कलियों की सेटिंग करना है। अब इसको खोल कर रखिए और सारी कलियों को मिला लीजिए। इस तरह आपको सारी कलियों की सेटिंग कर लेना है। अब एक बार अपने पेटी कोट से आप मिलाकर चेक कर सकते हैं कि लंबाई कितनी ज्यादा है या कम पड़ रही। इस तरह आपको कलियों को मिलाकर रख लेना है। अब यहाँ पर आप अपने पेटी कोट से लंबाई को चेक कर लीजिए। इस तरह बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड किया, आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ा और नीचे की साइड देखना है कि कितना एक्स्ट्रा है। तो इस तरह आप लंबाई को चेक कर सकते हैं कि इसके बराबर से हमारा पेटीकोट की लंबाई है या नहीं। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसे इसमें फोल्ड किया जाता है और इस तरह की पट्टी को बनाकर तैयार किया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें चार सिलाई डली है और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड किया गया है, जिससे नीचे का जो घेरा होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इस पुराने पेटीकोट को हम साइड से रखेंगे और कलियों को ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। तो दो कली लेना है हमें, छोटी वाली दो कली इसको लिया और दो कलियों को भी हम साइड से रख देंगे। और ये बड़ी वाली जो कली है उसमें से एक कली लेंगे और एक को भी साइड से कर देंगे। इस तरह हमने तीन तीन कलियों को निकाल लिया है। अब इस बड़ी वाली कली को आपको खोल कर रखना है। बड़ी वाली कली को इस तरह खोल कर रख लीजिए और इसकी जो दो कली है उसे इस तरह ज्वाइंट करिए। तो एक कली को आपको इस साइड ज्वाइंट करना है और दूसरी कली को आपको इस साइड से ज्वाइंट करना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है और कलियों को ज्वाइंट कर देना है। एक कली आपकी इस साइड ज्वाइंट हो जाएगी और दूसरी कली आपकी इस साइड ज्वाइंट हो जाएगी। बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए ज्वाइंट करेंगे। इस तरह आपको कलियों को मिलाते हुए सिलाई डालते जाना है। किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस मिलाइए और सिलाई डाल दीजिए, जिससे आपका घेरा इस तरह बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसमें घेरा आ जाता है। अब सेम आइडिया से आपको तीन कलियों को और ज्वाइंट करना है। तो सेम आइडिया से हमने दूसरे घेरा को भी तैयार कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बस दोनों पार्टों को मिलाना है और इसमें अभी एक साइड से सिलाई डालना है। इस तरह मिलाइए और एक साइड इसमें सिलाई डाल दीजिए और एक साइड रहेगा ये अभी खुला होगा। तो इस तरह आपको मिलाते हुए आपको एक साइड से इसमें सिलाई डालना है और एक साइड का ये खुला हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है कि आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए तीन इंच तक सिलाई डालना है। इसके किनारे से सिलाई डालते हुए बस इस तरह ले जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हाथ के हिसाब से भी डाल सकते हैं, इतना बस गैप इतना रखना है और बस सिलाई का निशान लगा लीजिए कि ऊपर से सिलाई हमें बस इतना ही डालना है। तो इसी तरह आपको दोनों साइड बनाना है। यहाँ पर मिलाकर एक निशान हमने इस साइड लगा दिया। बस कपड़े को फोल्ड करिए और सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों साइड इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी को उठा लीजिए और इससे मिलाकर चेक करिए। इसके बराबर से आपको इस तरह पट्टी को रखना है। अब यहाँ पर जितनी भी पट्टी आपकी कम पड़ती है उसको ज्वाइंट से बराबर कर दीजिए। इस तरह दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखा मिलाते हुए और इसके बराबर से हम इसको काट लेंगे। तो बस आपको क्या करना है कि इसको बस मिलाते हुए रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए, जिससे पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी। तो इस तरह आपको पट्टी में ज्वाइंट लगा देना है। ये पट्टी आपकी जुड़ जाएगी और यहाँ पर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसको हमें पलट देना है। इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आपको इसके ऊपर से सिलाई डाल देना है। इसी तरह हमने दोनों साइड इसमें सिलाई डाल दी है, ठीक है। यहाँ पर जो मार्जिन होता है उतना कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास, तो उसको पलट दीजिए। अब बस आपको बेल्ट इसमें ज्वाइंट करना है। तो इसको खोल कर रखिए। अब आपको बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए इसमें ध्यान देना है
कि इसको हमने सीधी साइड से रखा है और इस तरह पकड़ लिया, और ये बेल्ट रखा है उल्टी साइड। आप सिलाई को देखकर पता कर सकते हैं, उल्टे साइड से बेल्ट को पकड़ा इस तरह, और इसमें आधा इंच के हिसाब से हम सिलाई डाल देंगे। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई डालते जाना है, दोनों को बस पकड़ते जाइए और सिलाई डालते जाइए इस तरह। तो इस तरह आपका बेल्ट ज्वाइंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसको ज्वाइंट करते हैं, वो बेल्ट अगर आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है, लास्ट में कपड़े को फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा आप फोल्ड कर देंगे तो ये बराबर से मिल जाएगा। और अगर आपकी कलियों के साइड से कपड़ा बढ़ता है तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि कली को अंदर से पकड़कर थोड़ी सी सिलाई डाल दीजिए, जिससे कलियां बराबर से मिल जाएंगी। या फिर आप चाहे तो इसी कपड़े को इस तरह फोल्ड कर सकते हैं, हल्की सी प्लेट डाल देंगे तो आपकी कली और बेल्ट का कपड़ा एकदम बराबर से आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपको इस तरह इसको फोल्ड करना है, मार्जिन को अंदर की साइड किया और आधा इंच कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया इस तरह, और किनारे से बस सिलाई डालते जाइए। एक सिलाई आपको किनारे से डालना है और दूसरी सिलाई आपको दो पॉइंट की दूरी से चलाना है, और बस बेल्ट को बनाकर तैयार कर दीजिए। और अगर आप चाहें, नए सीखने वाले हैं जैसे, तो बेल्ट को क्या करिए, इस तरह फोल्ड करते जाइए और इसमें प्रेस करते जाइए, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। या फिर यहाँ पर आप पिन को लगा कर रख सकते हैं, पिन लगाने से भी आपको कपड़े को संभालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपको डबल सिलाई डालकर ऊपर के बेल्ट को तैयार करना है। बेल्ट अब ऊपर से तैयार हो गया है, अब हमें इसकी साइड की सिलाई को डालना है। तो उल्टा मिलाकर आपको पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें साइड की सिलाई डाल देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधा इंच ऊपर से आपको सिलाई लेना है मिलाते हुए, और नीचे तक आधा इंच के हिसाब से सिलाई को ले जाना है। बस किसी कपड़े को खींचिए मत और मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। इसमें हमने सिलाई डालकर साइड को बंद कर दिया है और ये इधर से ओपन रहेगा ऐसा। अब आपको बस नीचे का घेरा तैयार करना है। तो इसके लिए आपको पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह, और फिर उसके बाद आपको एक इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है इस तरह, और इसमें किनारे से सिलाई डाल देना है। एक सिलाई इसके किनारे से डालेंगे और दूसरी आपको नीचे की साइड डालना है, और तीसरी सिलाई आप चाहें तो इस तरह डाल सकते हैं, जिससे पूरी पट्टी कवर हो जाती है। इस तरह आपको नीचे के घेरा को तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें लहरिया वाली सिलाई डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें सिंपल सिलाई भी डाल सकते हैं। इसमें आपको दो तीन सिलाइयां अंदर से और डाल देना है, जिससे पट्टी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिसमें आपको आसानी हो आप उस तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पेटीकोट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स, और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।